हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है इस स्नेक प्लांट को ट्रांसप्लांट करने को लेके। ये देखिए, ये स्नेक प्लांट ये इतने छोटे से पॉट में लगा हुआ है और इसमें ढेर सारे पौधे, नए नए पप्स निकल गए हैं और इसको ग्रोथ होने की, इसके बढ़ने की अब इसमें जगह नहीं बची है, पूरी तरह से ये बंध गया है। तो अब इसे मैं एक बड़ा स्पेस दूंगी जिससे कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो, ये अच्छे से अपनी ग्रोथ को बढ़ा पाए। तो आप देखिए, इसमें एक थोड़ा अच्छा से खिला हुआ है पर बाकी जो है वो कितने छोटे छोटे ही रह जा रहे हैं, इनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो इसकी जो ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो इसीलिए आज मैं इसको इस डब्बे से, इस वेस्ट जार में जिसमें मैंने इसे लगा रखा है, इसमें से इसे निकाल के इसे एक बड़ी जगह में, बड़े स्पेस में इसे मैं लगाऊंगी। तो देखिए, ये प्लांट ये मैंने अपने बच्चों के स्टडी टेबल पे रखा हुआ था और इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी चल रही है। तो इसकी ग्रोथ रुके नहीं, ये प्लांट खराब नहीं हो, तो इसे हमें ट्रांसप्लांट करके एक बड़ी जगह देना होगा। तो वही मैं कर रही हूँ, तो यही मैं आज आपके साथ शेयर भी करूँगी कि किस तरह से मैं इस प्लांट को एक बड़े प्लांटर में शिफ्ट कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से इस प्लांट को निकाल लेंगे। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is. तो देखिए, मैंने इसे इसमें से निकाल लिया है। अब इसके जितने भी प्लांट इसमें लगे हुए हैं, इन सारे प्लांट को मैं सेपरेट करूँगी पहले। तो इसको सेपरेट करना बहुत ही आसान है। पहले हम इसकी मिट्टी को हटा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अब हम इसमें से कुछ इस तरह से इसे तोड़ के हटा लेंगे। इस तरह से हम हटा लेंगे इसे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें से कितने सारे पौधे निकल गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पौधे इस छोटे से डब्बे में निकल आए थे, तो इसीलिए इसकी ग्रोथ रुक सी गई थी। तो अब इसे हम लगा लेते हैं किसी बड़े कंटेनर में। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ इस तरह का एक जार जिसको मैंने कलर किया और कुछ इस तरह का डिज़ाइन दिया है इसमें। अब इसमें मैं सबसे पहले नीचे एक इसमें ड्रेनेज होल मैंने बना लिया है। अब ड्रेनेज होल में एक कपड़ा लेके पहले हम उस कपड़े को उस पे लगा देंगे जिससे कि उसकी जो मिट्टी हम इसमें डालेंगे वो मिट्टी इसमें से बह के नहीं निकले। तो इस प्लांट को लगाने के लिए मैं कोकोपीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें सिर्फ मैं कोकोपीट डाल रही हूँ। कोकोपीट में मैंने अभी कुछ नहीं मिलाया है, किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र या कुछ भी मैंने इसमें नहीं मिलाया है। ये प्लेन कोकोपीट है जिसको मैंने अच्छे से धो के सुखा के ड्राई कर लिया है। अब इसको मैं इसमें डालूंगी और इसी में मैं ये स्नेक प्लांट को लगाऊंगी। तो इसको मैंने इस तरह से इसमें भर लिया है। अब इन प्लांट को मैं इसमें लगाऊंगी, कुछ दो लाइन पे मैं इसे लगाऊंगी।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसमें ये सारे प्लांट्स लगा दिए। देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसे ही मैं कुछ इस तरह से प्लेस करूंगी, तो पीछे की तरफ जो बड़े प्लांट थे उस तरह से मैंने लगा दिए, और जो छोटे छोटे प्लांट थे उसे मैंने आगे के पोर्शन में लगा दिया, जिससे कि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। तो कुछ इस तरह से मैंने इस प्लांटर को तैयार कर लिया। अब ये देखने में कुछ इस तरह से दिख रहा है और काफ़ी सुंदर भी इसकी लुक आ रही है। तो इसे अब हम वाटरिंग करेंगे, और वाटरिंग हमें बहुत थोड़ी हल्की मात्रा में करनी है। इसमें सिर्फ मैं हल्का सा पानी का शावर करूंगी, जिससे कि इसके खाली पत्तियां भींगे, क्योंकि मैंने इसे कोकोपीट में लगाया है और कोकोपीट पानी को होल्ड करके रखता है, इसीलिए इसमें मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, वरना ये प्लांट पानी की वजह से ख़राब हो सकता है। तो एक दो दिन मैं इसमें हल्की सी शावरिंग ही करूंगी। उसके बाद जब ये प्लांट अच्छे से स्टेबल हो जाएगा, अच्छे से लग जाएगा, उसके बाद मैं इसमें अच्छे से वाटरिंग भी करूंगी और इसको सनलाइट, प्रॉपर सनलाइट में भी रखूंगी। तो जब ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ करने लग जाएगा, तब उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूंगी, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट में इसे लगाया है, इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र मैंने यूज़ नहीं किया है। तो इस तरह से मैंने इसको छोटे प्लांट पॉट से थोड़े बड़े में शिफ्ट कर दिया, और बड़े में शिफ्ट होने के बाद इसमें काफ़ी स्पेस भी हो गया, जिससे कि ये छोटे प्लांट अपनी ग्रोथ कर सके। ये देखने में भी काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। तो इस तरह से मैंने ये प्लांट पॉट चेंज किया, एक छोटे से प्लांटर से एक बड़े प्लांटर में मैंने सारे प्लांट को शिफ्ट कर दिया। अब शिफ्ट होने के बाद ये काफ़ी सुंदर और काफ़ी खूबसूरत दिखने लगा। इस प्लांटर में भी ये काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। तो ये जब स्टेबल हो जाएगा, तब इसे मैं अपने बच्चों के टेबल पर फिर से रख दूँगी। तो आज का वीडियो मेरा इसी ट्रांसप्लांट को लेके था। आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम स्नेक प्लांट को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसे सेपरेट सेपरेट भी लगा सकते हैं, सिंगल सिंगल प्लांट को एक सिंगल प्लांटर में लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये सारे को एक साथ ही लगाना था, इसीलिए मैंने इसे इसी तरह से लगाया है। तो आज का वीडियो बस यही। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो मिलते हैं आप अगले किसी वीडियो में। ओके देन, बाय। Till my shadow turns to sun rays, and on and on.